पहले चरण में बस्तर में चुनाव करवाया गया क्योंकि यहाँ बहुत संवेदनशील इलाका है बताया जाता है, तो उसके कवरेज करने के लिए मैं आया हुआ था। मिनपा गांव आया हुआ, मिनपा आया तो पता चला कि यहाँ के पोलिंग बूथ में 1000 कुछ मतदाता हैं लेकिन 60 लोगों ने केवल मतदान किया। और फिर देखा यहाँ पे बहुत सारे गाँव वाले क्रिकेट खेल रहे थे मस्त आराम से, कोई लोडी नहीं। तो इनसे मैं सोचा पूछूं कि लोग वोट दिए कि नहीं। सर राशन कार्ड है? सर चावल लेते हो? लेता हूँ। चावल ले लेते हो बाबू, वोट नहीं देने गए ने? सर 19 में। अच्छा रनिंग चल रहा है जी। माँ यार क्या अंग्रेजी बोले हो? नहीं नहीं मैं देवड़ी करा हूँ। अच्छा देवड़ी करा, देवड़ी करा मतलब क्या होता है? कोसा पीने के लिए रही थी। पीने के लिए मतलब दारू? अच्छा दारू पीने गए थे जी। वाह बड़े दारू पीने गए थे, वोट नहीं दिए। अब सोचिए 1090 लोग लगभग मतदाता हैं इस पोलिंग बूथ में और 60 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ये भी एक स्थिति है बस्तर के अंदरूनी इलाकों में। ऐसी स्थितियों पर ही फिर फिल्म बनती है न्यूटन जैसी। आज लोकतंत्र का महापर्व था, लोकसभा चुनाव 2024, इसको लेकर पहले चरण में बस्तर में चुनाव करवाया गया क्योंकि यहाँ बहुत संवेदनशील इलाका है बताया जाता है, और बताया क्या जाता है, तो उसके कवरेज करने के लिए मैं आया हुआ था। मिनपा गांव आया हुआ, मिनपा आया तो पता चला कि यहाँ के पोलिंग बूथ में 1000 कुछ मतदाता हैं लेकिन 60 लोगों ने केवल मतदान किया। और केवल 60 लोगों के मतदान करने के लिए आप देखें तो ये CRPF के जवान अगर आपको दिख रहे हों, मोबाइल दरअसल दूसरे का है तो क्वालिटी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी तस्वीर में देखिएगा जवान जा रहे हैं पैदल। फिर देखा यहाँ पे बहुत सारे गांव वाले क्रिकेट खेल रहे थे मस्त आराम से, कोई लोडी नहीं। तो इनसे मैं सोचा पूछूं कि लोग वोट दिए कि नहीं। तो कुछ लोग हिंदी बोलते हैं कुछ लोग नहीं बोलते। कोसा है? कोसा थूक लो पहले तुम तंबाकू। कौन से गाँव से हो? रेंगापारा वाले। रेंगापारा के हो जी। अच्छा ये बताओ वोट दिए? नहीं दिए सर, मेरे को नाम नहीं है। तो नाम लिखवाए नहीं तुम? नहीं। तो कितने लोग का नाम नहीं? बहुत लोग का। बहुत लोग का नाम नहीं जी। जब नाम जोड़ते हैं तब क्यों नहीं जाते हो नाम लिखाने? नहीं गए सर। क्यों, कोई बताया नहीं क्या? बताए लेकिन नाम जाने नहीं पाए सर। अच्छा बताए थे कि नाम जुड़वा लो जी, फिर भी नहीं गए जी? क्यों, आधार कार्ड है? नहीं मेरे पास सर। राशन कार्ड है? सर चावल लेते हो? लेता हूँ। चावल ले लेते हो बाबू, वोट नहीं देने गए ने? नाम नहीं है तो फिर क्या? तो फिर राशन दुकान में नाम जुड़वा ले, इसमें क्यों नहीं जुड़वाए? वोट भी देना था ना है? जी ठीक है। आप वोट दिए? नहीं। क्यों? नाम नहीं चार। आपका भी नाम नहीं? नहीं। राशन कार्ड है? नहीं। राशन कार्ड नहीं? हाँ वही। हाँ झूठ मत बोलो। ठीक है राशन कार्ड है ना? हाँ। तो लेकिन वोटर आईडी कार्ड नहीं है? नहीं। वहाँ पर्ची गए थे पर्ची में नाम ढूंढने? हाँ है? गया गया। तो क्या बताए? नहीं नाम नहीं है। तुम दिए वोट? नहीं सर हमको भी नहीं है। तुम्हारा भी नहीं है? नहीं सर। क्या नाम लिखते हो? दीर्दो संतोष। दीर्दो संतोष जी। कौन गांव के हो? रेंगापारा। रेंगापारा ये मिनपा जी। तुम्हारे नाम नहीं है ना? तुम तुम्हारा उम्र हो गया? तो बचपन में सर। रेनिन में सर। क्या रेनिन में सर? मेरा क्या मैं रेनिन सर। रेनिन मतलब? रेनिन चल रहा है सर 19 मेरा। अच्छा रनिंग चल रहा है? माँ यार क्या अंग्रेजी बोले हो? रनिंग चल रहा है, रनिंग चल रहा है, मेरे को अंग्रेजी अंग्रेजी नहीं था। 19 रनिंग चल रहा है जी सर। अच्छा तो लेकिन नाम नहीं है? नहीं सर। इसलिए वोट नहीं दिए जी? मन था देने का? वोट दिए था सर। मन था जी? अच्छा ठीक है। नेता लोग को जानते हो नाम? नहीं सर। कौन नेता का नाम जानते हो? नहीं जानता हूँ सर मैं। नहीं जानते? स्कूल जाते हो जी? कौन सी कक्षा में? करला था। कौन सी कक्षा में? 10 में सर। 10 में सर। 10 में जी। 10th बोलना है या 10वीं बोलना है जी? 10 में नहीं ठीक है जी। अच्छे से पढ़ो है ना? ठीक है। कितने लोग वोट नहीं दिए? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कौन कौन वोट नहीं दिया? आप भी नहीं दिए? नहीं दिए। क्या नाम है? मौलवी पांडु। कौन से गाँव से हो? रेंगापारा। रेंगापारा जी। तो आपका भी नहीं है क्या? नहीं है सर। तो नाम जब लिखते हैं सरकारी लोग तो क्यों नहीं जाते हो लिखने? नहीं लिखने जाते ना जी। ठीक है। ये भाई एक तो कागज लिए, तुम्हारे पास नाम था क्या? दिखाओ क्या है? क्या है? ए, कुछ नहीं है सर। तुम वोट दिए दादा? दिखाओ कागज दिखाओ। अच्छा वोट दे दिए ना? इनका दादा का कागज में नाम है ये वोट दिए। स्याही दिखाओ, स्याही। उंगली में स्याही नहीं लगाए? स्याही नहीं लगाए?
इल्ला मतलब नहीं लगाए आप दिए दादा वोट? नहीं नहीं क्यों आप क्यों माए तो देवड़ी पर आई ना सर मैं दिखा नहीं नहीं मैं देवड़ी करा हूँ। अच्छा देवड़ी करा देवड़ी करा मतलब क्या होता है कोसा देवड़ी? अच्छा पुजारी है जी? पुजारी नहीं है लेकिन बड्डे है सर। तो बड्डे लोग वोट नहीं देते? देते है लेकिन पीने के लिए रहते थे। पीने के लिए मतलब दारू? अच्छा दारू पीने गए थे जी। वाह बड्डे दारू पीने गए थे वोट नहीं दिए। आपका क्या नाम है? मेरा पुरिया मीरमा। पुरिया में पढ़ाई वढ़ाई करते हो? नहीं करते। तो आप वोट दिए? नहीं दिया मेरा नाम ही नहीं है। आपका भी नाम नहीं है? नहीं। नाम रहने से वोट देते? देते थे लेकिन। अच्छा निम्पा गांव के रेंगा पारा के लोग हैं दादा आप वोट दिए? दिए। अच्छा आप दिए। आपका नाम था? दुर्गारामा। आपका था वहाँ नाम ना? दिखाओ स्याही लगाए। वाह स्याही लगाए। इतने देर से बातचीत कर रहा हूँ तो एक आदमी मिले जो स्याही लगाए हैं और वोट दिए। अंदर में अंदरूनी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होते हैं और उसका एक कारण मुझे लगता है ये भी है बहुत सारे लोगों का नाम ही नहीं है लिस्ट में। नाम नहीं है तो कहाँ से वोट देंगे? अब सोचिए 1090 लोग लगभग मतदाता हैं इस पोलिंग बूथ में और 60 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ये भी एक स्थिति है बस्तर के अंदरूनी इलाकों में। ऐसी स्थितियों पर ही फिर फिल्म बनती है न्यूटन जैसी। स्थितियाँ आपको दिखा रहा हूँ ये फिल्म नहीं है हकीकत है कहानी नहीं सच्चाई है। लगे कि सच्चाई को इस हकीकत को हर व्यक्ति तक पहुंचाएं कि आप जो लोकतंत्र का महापर्व का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो लोकतंत्र वो एडवर्टाइजमेंट वो विज्ञापन यहाँ बस्तर के अंदर में जो चुनौती है वहाँ पे पहुंच ही नहीं पा रहा है। इसको हर किसी को जानना चाहिए। लगे कि महत्वपूर्ण है तो शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगे कि ठीक काम कर रहा है बस्तर टॉकीज। तो खुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा अपने अगल बगल कम से कम 4-5 लोगों को तो आप भी करवा दीजिएगा। क्या है ज़्यादा लोग देखेंगे तो ज़्यादा दूर तक आवाज़ जाएगी। धन्यवाद।